हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपसे कुछ हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट जिनमें सीड पॉट बन गए हैं, उनका कलेक्शन कैसे करें और कैसे रख रखाव करें बताऊंगी। ये महंगे महंगे प्लांट मेरे जो मिलते हैं, हमको ख़रीदना पड़ता है, उनके सीड आप कैसे कलेक्ट करें। उसमें सबसे पहला है ये देखिए, ये इसका जो है जिसे हम लोग कॉक्स खाम्ब कहते हैं, मुर्गा कलंगी या सिलोसिया कह लें, इसका सीड, इसके बहुत महीन सीड होते हैं। इसके मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ब्लैक कलर के सरसों के दाने से भी छोटे दाने होते हैं इसके, और चमकदार बहुत होते हैं इसके सीड। इनको इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर लीजिए। सारे सीड की प्रक्रिया होती है कि उनको आप 2-3 दिन धूप में, अरे छाए में सुखा के, और उसके बाद कोई फंगीसाइड लगा के, चाहे आर्गेनिक, चाहे आप जो साफ का फंगीसाइड रखते हैं उसको लगा के, और किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें, और फिर सीजन जब इनका आए, जिनका जो सीजन हो, आप उसको, सबसे मुफीद सीजन होता है फरवरी या उधर जून के लास्ट से जुलाई अगस्त तक, तो हर सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है इन सीजन में। तो पहला प्लांट ये हो गया, ये देखिए इस तरह से इसके सीड हो गए। उसके बाद है ये देखिए, हमारे इसमें कितने सीड पॉट बने हैं, देखिए सदाबहार में, तो इनको तो कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अगर आपके पास पेड़ पौधे कम हो तो इनकी ये देखिए फलियां इस तरह से तोड़ लीजिए, इसमें भी काले काले रंग के बीज होते हैं, उनको भी सेम प्रक्रिया से आप सुखा के छाए में और रख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया इनसे जो है पौधे मिल जाएंगे। ये तो अपने आप देखिए, अपने आप जहाँ देखिए तहाँ जमे रहते हैं। उसके बाद ये देखिए बालसम के सीड पॉट कितना, इसको छू भर दीजिए, देखिए ये इसके सीड निकल आते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड कितने सुंदर, बिल्कुल मेथी के दाने की तरह, ये देखिए। ये इनको आप ऐसे कलेक्ट करके और इनको सुखा के, और जो है किसी डिबिया में वो फंगीसाइड लगा के रख लीजिए, बस आपको कोई टेंशन नहीं। इस तरह से अब इनमें निकाल के मैं कुछ विंटर के प्लांट लगाऊंगी। अब ये गमले मेरे खाली करना है, अब इसमें फ्लावरिंग भी होना बंद हो गई है, तो अब मुझे फ्लावरिंग की ज़रूरत भी नहीं है इसके, तो मैं इसके सारे ये सब इकट्ठा कर लूँगी, सीड पॉट जितने हैं तोड़ के, और मैं इस तरह से, ये देखिए इसके नीचे सीड हैं, यही सीड उठा के रख लीजिए, और उधर आप इसको मई जून में बो दीजिए, और बढ़िया आपके प्लांट हो जाएंगे। गुल मेहंदी तो खिली रहती है, जिसका नाम ही गुल मेहंदी है, तो पूरा गार्डन फूलों से भर जाता है, इसके फूलों से बहुत ही प्यारे इसके फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद एक गुल दुपहरी है मेरा, जिसको कि नून फ्लावर भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसके फ्लावर्स छोटे छोटे दोपहर में खिलते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया है इसके फ्लावरिंग का। अब इसका सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये बरसात में खिलते हैं, तो इनके सीड देखिए इस तरह से, इनके भी सीड जहाँ गिर जाते हैं अपने आप जमाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़रूर सीड कलेक्ट करके रखती हूँ इनके, इस तरह से ये सारे इनके सीड पॉट बने हुए हैं। ये देखिए
कितना है, ये सब सीट पॉट हैं, इन्हीं को इस तरह से करके और इनको मैश कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए इनके सीट, ये हैं इनके सीट इस तरह से। इसको भी सेम उसी प्रक्रिया में सुखा के और रख लीजिए। ये देखिए मैंने अपराजिता के 4 o'clock के, ये गुल मेहंदी, ये जो है सिलोसिया का, और ये अभी मैंने आपसे गुल दोपहरी का शेयर किया। ये देखिए कनेर, ये ऑरेंज कलर का, ये देसी कनेर है। इसका ये सीड पॉट जब मैच्योर हो जाए, अभी ये कुछ कम मैच्योर है, तब इसको जो है इसमें एक बड़ा सा सीड होता है और बहुत कठोर आवरण का। ये देखिए ये तोड़ने लायक हुए हैं, ये देखिए ये, इसको रख लें, इसको कहीं भी लगा दें। ये तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, देखिए इस तरह से सीड पॉट, और इसको इसका सीड जमने में भी काफ़ी टाइम लेता है। इसको ज़मीन में लगाएं ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमने तो गमले में लगा रखा है। ये देखिए कितने सीड पॉट बने हैं, ये दो मैं रख लूँगी, इसको वहाँ ले जाके अपने गार्डन में लगाऊंगी। देखिए अब की बार मेरे पारिजात में कितना अच्छा सीड पॉट बना है। देखिए इसके अंदर सीड होंगे, जब ये मैच्योर हो जाए इनको भी कलेक्ट करके। पारिजात का प्लांट तो कितना महंगा मिलता है, इसके प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं, 150-200 के। तो इसको जो है कलेक्ट करके और इसको सीड, अब की मैं कलेक्ट करके और इसको सीड से उगाने का ट्राई करूंगी कि मुझे कितनी सक्सेस मिलती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखिए, इस तरह से मेरी गोल्ड के फ्लावर्स आप सुखा लीजिए और रख लीजिए। और इसमें ये जो ब्लैक कलर के हैं, ये इसके सीड हैं, ये देखिए इनको आप बो दीजिए। जितना भी मेरे पास ये मेरी गोल्ड के प्लांट आप देख रहे हैं, सब सीड से ग्रो हुए प्लांट हैं। और इसी तरह से फूलों को मैं, ये देखिए, रख लेती हूँ सुखा के, और फिर सीजन आने पे इनको, इनका तो हमेशा सीजन होता है, आप जब चाहें इनको मिट्टी में डाल दीजिए, इनके पौधे निकल आते हैं। आप कई तरह के आपके जो सीड हैं बन जाते हैं, उनको कलेक्ट करके और तमाम प्लांट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।